Subscribe my channel Ambi News Presenting and press the bell icon to never miss a video from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने अम्बेजी न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में बताएंगे और साथ ही इनसे जुड़ी 10 हैरान करने वाली बातों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, क्या है महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया, यह जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ऐसे ही रोमांचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल पर विजिट करके इन रहस्यमय जानकारियों को जान सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं खबर की तरफ और देखते हैं महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया और उनसे जुड़ी 10 बड़ी बातें। दोस्तों, आपने महिला नागा साधुओं के बारे में तो सुना होगा और उनकी रहस्यमय दुनिया के बारे में भी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया भी कम रोमांचकता से भरी हुई नहीं है? बल्कि यह कहना गलत नहीं है कि हम में से अधिकतर लोगों को यह बात पता ही नहीं है कि महिला नागा साधुओं का भी अस्तित्व है। तो आइए हम आपको बताते हैं महिला नागा साधुओं से जुड़ी हुई रोचक 10 बड़ी बातें। दोस्तों, पहली जानकारी की बात करें तो सन्यायिक बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद ही गुरु आदि इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है तो उसे महिला नागा साधु बनने की दीक्षा दी जाती है। दूसरे रहस्य की बात करें तो महिला नागा साधु सन्यायिक बनने से पहले अखाड़े में साधु संत महिला के घर परिवार और पिछले जीवन की जांच पड़ताल करते हैं। तीसरे रहस्य की बात करें तो महिला को भी नागा सन्यायिक बनने से पहले शैवम का पिंडदान और तांडव करना अवश्य पड़ता है। चौथा रहस्य है, जिस आखड़े में महिला सन्यास की दीक्षा लेती है उसे आचार मंडलेश्वर ही उसे दीक्षा देते हैं। पांचवा रहस्य है कि महिला को नागा सन्यायिक बनने से पहले उसका मुंडन किया जाता है और नदी में स्नान करवाते हैं। छठवां रहस्य है कि महिला नागा सन्यायिक पूरा दिन भगवान का जप करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, इसके बाद नित्य कर्मों के बाद शिव जी का जाप करती हैं, दोपहर में भोजन करती हैं और फिर से शिव जी का जाप करती हैं, शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती हैं और इसके बाद शयन करती हैं। सातवें रहस्य की बात करें तो सिंहस्थ और कुंभ में नागा साधुओं के साथ ही महिला सन्यायी भी शाही स्नान करती हैं। अखाड़े में सन्यायी को भी पूरा सम्मान दिया जाता है। आठवें रहस्य की बात करें तो जब महिला नागा सन्यायी बन जाती है तो अखाड़े के सभी साधु संत इन्हें माता करके संबोधित करते हैं। नवे रहस्य की बात करें तो सन्यायिक बनने से पहले महिला को यह साबित करना होता है कि उसका परिवार और समाज से कोई मोह माया नहीं है, वह सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहती है। इस बात की संतुष्टि होने के बाद ही वह दीक्षा मिलती है उसे। दोस्तों, सबसे बड़े 10वें रहस्य की बात करें तो पुरुष नागा साधु और महिला नागा साधु में फर्क केवल इतना ही होता है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना होता है और वह वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। नग्न स्नान की अनुमति नहीं होती है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी इनको नग्न स्नान की अनुमति नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी महिला नागा साधुओं के कुछ जुड़े तथ्य और रोचक जानकारी। तो दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस दुनिया की तमाम रोमांचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।